हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्मनी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेडट्रॉन का एफएक्यू। तो जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं हमने इस एफएक्यू में कवर करने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाए सो प्लीज फील फ्री कि आप हमसे वो कमेंट्स में क्वेरीज पूछिएगा और हम आपको उसका जरूर आंसर करेंगे। So today we have an expert with us who is going to help us in answering all the questions. जो भी सबसे ज्यादा maximum questions पूछे जाते हैं उनको solve करेंगे। Yeah. So what is Tradetron and how does it work? Tradetron एक ऐसा platform है जो कि algo trading के लिए design करा गया है। यहाँ पर आपको एक marketplace मिल जाता है जहाँ पर आप कोई भी strategy choose कर सकते हो, उसमें आप अपना trade कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपकी खुद की strategy, आप उसको भी वहाँ पर create कर सकते हैं और उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो क्या सर, मैं Tradetron को automatically use कर सकती हूँ बिना coding करे? हाँ, यू कैन डू दैट टू, बिकॉज वहाँ पर ऐसा कुछ कोडिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपको अगर आपके पास में कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है, लाइक आपको सर्टेन पैरामीटर्स पता है कि ये चीज़ होने के बाद में ऐसा हो जाए, तो आप वहाँ पर सिंपली अपनी कंडीशंस लिख सकते हो, उनके बैक एंड पर वो ऑटोमेटिकली कोड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपकी एक स्ट्रेटजी बन जाती है, आप उसमें काम कर सकते हो। दैट्स इट, मतलब बहुत सिंपल है। लाइक सिंपली जैसे आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ड्रैगन ड्रॉप करके, ऐसे आप वहाँ पर ड्रैगन ड्रॉप कर ये पूरा स्ट्रेटजी बना सकते हो। इस आंसर ने काफी हेल्प करी, क्योंकि सबको यही लगता था हमेशा कि एल्गो ट्रेडिंग करना, ट्रेडट्रॉन को यूज करना, मतलब कोडिंग रिक्वायरमेंट, बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज ट्रेडट्रॉन ऐसा पूरा करवा रहा है कि लाइक आपको अगर कोडिंग नहीं आती है बहुत आसानी से कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन काफी ज्यादा व्यूअर्स को हेल्प करेगा और इसका सोल्यूशन भी उनको मिल चुका होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, अगर मैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ट्रेडट्रॉन के थ्रू सब्सक्राइब करना चाहती हूँ तो लगभग मेरा कितना खर्चा हो जाएगा? सी, एज सच कोई भी कॉस्ट नहीं है वहाँ पर उसको सब्सक्राइब करने का, बट आपको एक मंथली फीस देना होता है 300 प्लस जीएसटी, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 354 रुपीस, मतलब अप्रॉक्स। उसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं है। फिर देन अगर स्ट्रेटजी का जो अगर मार्केट प्लेस से ले रहा हो, तो मार्केट प्लेस में अगर उस स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब करने का कोई कॉस्ट है तो वो लगता है बहुत ही मिनिमल सा होता है। तो लाइक केवल 354 रुपीज आपको हार्डली देना होता है स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए। हाँ, अब अगर आपको एक से ज्यादा स्ट्रेटजी यूज करनी है तो उसके लिए अलग अलग कॉस्टिंग होती है, आप वो हमारी वेबसाइट पर प्राइसिंग वाले सेक्शन में चेक कर सकते हो, और वो भी बहुत ही मिनिमल है। तो सर, क्या ये फ्री ट्रायल पीरियड चल रहा है ट्रेडट्रॉन का? क्या मैं फ्री में उसको यूज कर सकती हूँ अभी? देखिए, ऐसा है कि ट्रेडट्रॉन पर कोई भी ऐसा फ्री ट्रायल का मतलब कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है। वहां पर क्या है कि आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो आपको अगर लगता है मार्केट प्लेस में कोई भी स्ट्रेटजी आपको पसंद आती है उसके बाद में, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि इसको मेरे को लाइक अपने रियल मनी के साथ में इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, वहां पर आपका डेमो अकाउंट बन जाता है। आप फिर वहां पर अपनी वाली जो भी स्ट्रेटजी आपको मार्केट प्लेस में समझ में आई है आप उसको डिप्लॉय करिए, आप उसको जितना भी टाइम आपको उसको टेस्ट करना है टेस्ट करिए, उसके लाइक जो भी उसमें हमारा पीएनएल स्टेटमेंट आ रहा है उसको चेक करिए, आप पुराना भी चेक कर सकते हैं। तो लाइक उससे हमको पूरा एक सिनेरियो समझ में आता है कि स्ट्रेटजी अच्छी है कि नहीं है, आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस तरह से आपको कोई भी ट्रायल पीरियड नहीं मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी आपको पेपर ट्रेड करके आप पूरा समझ सकते हो। सर, जैसे अगर मुझे कोई स्ट्रेटजी अपनी खुद की बनानी है तो क्या मैं उससे ट्रेडट्रॉन के थ्रू लॉन्च कर सकती हूँ? सी, जैसे कि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि लाइक आप स्ट्रेटजी तो बहुत आसानी से बना सकते हो, उसके बाद में अगर आपको चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी जो मार्केट प्लेस है वहां पर आ जाए, तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। अगर हमारी टीम आपकी स्ट्रेटजी को अप्रूव करती है तो आपकी स्ट्रेटजी वहां पर लिस्ट हो जाएगी। फर्दर उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी आपको लाइक मार्केट में लिस्ट कराने के बाद में उससे भी आपको एक रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आप उसको एज अ लाइक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लॉन्च कर सकते हो, तो उससे आप थोड़ा सा एक अपना रेवेन्यू अलग से बना सकते हो। तो लाइक अगर आपका ट्रेडिंग से रेवेन्यू बनी रहा है, फिर देन आपको चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी आपकी जो अच्छी है तो मल्टीपल लोगों के पास में जा रही है, आप उससे भी एक रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो। सर, ट्रेडट्रॉन में मुझे किस तरह के एसेट्स मिलेंगे, किस तरह के एसेट्स के साथ में ट्रेड कर सकती हूँ? सी, यहाँ पर लाइक बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, लाइक अगर खुद की भी क्रिएट कर रहे हो तो आपके पास सारे के सारे ऑप्शन हैं, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहो, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर ऑप्शंस हो गया, आपका करेंसी, कमोडिटी, किसी में भी आपको लाइक कोई भी सर्टेन स्ट्रेटजी क्रिएट करके उसमें ट्रेड करना है, या फिर पहले से बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो लिस्टेड है मार्केट प्लेस पर, हमारे पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है, एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज लिस्टेड है, तो आप किसी भी सेगमेंट में कभी भी कोई भी ट्रेड कर सकते हो, तो बहुत ही सिंपल सा है। काफी इनसाइटफुल भी है और वैरायटी भी बहुत है। सर, एक अजम्पशन अगर हम लें कि मैंने ट्रेडट्रॉन पे कोई स्ट्रेटजी ले ली, तो मुझे ये चीज कैसे पता चलेगी कि ये एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है? अगर मैं इसको यूज करूंगी तो कैसे मुझे पता चलेगा वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक और नॉट?
गॉट यू। तो सिंपल सा है, इसके पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किया था फ्री ट्रायल पर, वहां पर हमने एक चीज डिस्कस करी थी पेपर ट्रेड। अगर आपको लगता है कोई स्ट्रेटजी आपको पसंद आई है, ठीक है, लाइक आपको लग रहा है कि मेरे सिनेरियो के हिसाब से, मेरे कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये परफेक्ट सेट है, बट आप कंफ्यूज हो कि अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरे को इसके साथ में जाना है कि नहीं जाना है, सिंपली आप उसको पेपर ट्रेडिंग में लगा लो। एक दो वीक पर आप उसको पेपर ट्रेडिंग में लगाकर देख सकते हो कि लाइक क्या प्रॉफिट लॉस जनरेट कर रहा है। सो अगर उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ अच्छे से काम कर रहा है, देन गो फॉर इट। तो ये वाला सवाल जो मैं पूछने वाली हूँ सर, ये हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं, क्या ट्रेडट्रॉन के साथ ट्रेड करने के लिए मुझे अपने अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट है, और अगर ऐसा है तो वो मिनिमम बैलेंस क्या होना चाहिए? सी, इसमें मैं सेम चीज रिपीट करूंगा, लाइक जो आपको 354 रुपीज का जो मंथली फीस है वो तो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ऐसा आपकी खुद की स्ट्रेटजी है तो आपने वहां पर एक मिनिमम क्राइटेरिया खुद से सेट करा होगा कि इतना लाइक मिनिमम कैपिटल होगा तभी हमारी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, क्योंकि आपने वहां पर सर्टेन कंडीशन लगा रखी है। बट अगर आप मार्केट प्लेस के साथ में जा रहे हो तो वहां पर हर स्ट्रेटजी में आपको मेंशन रहता है कि आपको कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो आपको उतना कैपिटल अपने ट्रेडिंग अकाउंट में तो मेंटेन करना पड़ेगा। आई होप इससे आपको हेल्प मिली हो। श्योरली। और अगर मुझे अपना ट्रेडट्रॉन का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है तो मैं वो एक्शन कैसे कर सकती हूँ? अगर आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है तो उस केस में आप कुछ नहीं, आप उसका फीस पेमेंट मत करिए, जो 354 रुपीज का है उसको फीस का पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद में आपको जो भी आपने स्ट्रेटजी डिप्लॉय करके रखी थी आप उसको अनडिप्लॉय कर दीजिए, और जो भी स्ट्रेटजी आपने लाइक सब्सक्राइब करके रखी थी, ठीक है, जो माई स्ट्रेटजी वाले सेक्शन में, उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट, आप इसको आसानी से भी बंद कर सकते हो, लाइक उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हो। सो या सर, लास्ट बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं वो ये है कि क्या कोई लिमिट है नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज की, कि मैं इतनी ही स्ट्रेटजीज सब्सक्राइब कर सकती हूँ ट्रेडट्रॉन पे? एज सच कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आपको लाइक मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज करनी है तो उसके लिए आपको अलग प्लान चूज करना पड़ेगा, जो आपको 354 रुपीज का होता है, उसमें केवल आप एक ही स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हो अपने रियल मनी के साथ में। तो लाइक आपको अगर चाहिए कि आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज करो, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, बट आपको उसके लिए अलग प्लान चूज करना पड़ेगा। तो आप प्लान वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो कि कौन सा प्लान आपके हिसाब से अच्छा सूट कर रहा है। सो इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो लाइक आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमको रीच आउट कर सकते हो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, तो जो सबसे सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करने की। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज आप हमें जरूर रीच आउट करिए, एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच।